जय झूले। आयो लाल समे झूले लाल। आज आप सभी को चेटी चंड और नवरात्रा की लख लख बधाई। आज भगवान झूलेलाल जी का प्रकटन उत्सव है और पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां जहां भी सिंधी समाज के लोग हैं वहां पर आज भगवान झूलेलाल जी का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। भगवान झूलेलाल जी जो हमेशा भाईचारे के प्रतीक रहे, सौहार्द के प्रतीक रहे, जिन्होंने अन्याय हत्याचार के लिए संघर्ष किया, समाज के लोगों की रक्षा की, देश की रक्षा करने का काम किया, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का काम किया झूलेलाल भगवान। और इसीलिए सिंधी समाज नहीं, संपूर्ण समाज भगवान झूलेलाल जी को बड़ी आदर, आस्था और श्रद्धा से देखता है। भगवान झूलेलाल जी के विचार, उनके किए गए कार्य, उनकी तप तपस्या, भारतीय संस्कृति में योगदान आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। और इसीलिए जब हम कोई भी महापुरुष का, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा और संकल्प का पर्व होता है। सही कहा कि हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव के समय जब देश का विभाजन हुआ था उस समय सबसे ज्यादा त्रासदी और अन्याय सहा कहा था तो सिंधी समाज के लोगों ने सहा। जिस हालात में थे, जिस परिस्थिति में थे, अपना सब कुछ छोड़कर वह हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में पहुंचे, एक शरणार्थी के रूप में यहां पर पहुंचे थे, लेकिन भगवान झूलेलाल जी की प्रेरणा, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष और अपने काम के पुरुषार्थ के कारण आज देश और दुनिया में एक पुरुषार्थ समाज है। केवल पुरुषार्थ के माध्यम से नहीं, उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया, इसलिए आज वह सब सम्मान के योग्य भी हैं। आप दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, सिंधी समाज का योगदान इस देश के आर्थिक और सामाजिक बदलाव में बहुत बड़ा योगदान है। एक पुरुषार्थ समाज, एक नौजवान जिसने यहां के व्यापार की परिस्थिति को परिवर्तन किया, जहां पूरा परिवार काम करने की परंपराएं, काम करने के प्रति कर्मयोगी बनाने का काम अगर देश में किसी ने दिया है तो सिंधी समाज ने दिया है। मुझे याद है सिंधी समाज के अंदर, क्योंकि मैं आपके समाज के बीच में रहता हूं, इस समाज में बच्चा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति कर्मयोगी है। इस देश के अंदर लोगों को सस्ता माल मिले, व्यापार में प्रतिस्पर्धा हो, ये अगर किसी ने सिखाया है तो सिंधी समाज ने सिखाया है।
और दूर दराज इलाके के अंदर जहां एक उपभोक्ता को किलोमीटर दूर अपनी जरूरत की चीजें खरीदने आना पड़ता था, वहां सिंधी समाज का नौजवान जंगलों में साइकिलों पर सामान ले जाकर घर घर बेचने का काम करता था। इतना ही नहीं, और दूर दराज के इलाके के अंदर वहां उपभोक्ताओं के नजदीक दुकान खोलकर शहरों की प्रतिस्पर्धा के आधार पर गांव में सामान बेचने का काम किया तो प्रसाद के रूप में सिंधी समाज ने किया। व्यापार हो, उद्योग हो, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए है। केवल सिंधी समाज ने धन नहीं कमाया, धन कमाने के लिए उस धन को समाज के लिए समर्पित किया। मुझे याद है कि सिंधी समाज के लोग छोटे छोटे दोनों के अंदर सबसे पहले प्रसाद के रूप में चने बांटते थे, घर घर लोगों को जो भी आता था उसको भोजन खिलाते थे। सबसे पहले परंपरा अगर प्याव लगाने की शुरू की तो सिंधी समाज ने की। धर्मशालाओं की परंपरा शुरू की तो सिंधी समाज ने की। स्कूल हो, अस्पताल हो, तमाम समाज सेवा के काम देश के अंदर सिंधी समाज ने एक अच्छी परंपरा की। भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, ये काम किया तो सिंधी समाज ने किया और समाज को प्रेरणा देने का काम किया। और ये केवल कोटा में नहीं, मैं भारत में नहीं, अभी मैं कुछ दिन पहले दुबई गया था, हमारे इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी भी थे। मैंने कहा सिंधी समाज के लोगों को बुलाइए। वहां सिंधी समाज के लोग उस समय गए थे जब न खाने का खाना था और पीने का पानी तो बिल्कुल नहीं था। कीड़े मकोड़ों को छानकर उस पानी को पीकर उन्होंने वहां प्रसाद के रूप में काम किया। कई लोग किसी के यहां नौकरी करने गए थे, कई छोटा मोटा काम करने गए थे, कई फेरी लगाकर काम करते थे, सिर पर फेरी लगाकर काम करते थे। आज देख लो, दुबई के शासक ने भी सिंधी समाज को सामाजिक कार्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। वहां की कई लोगों को नागरिकता दी है इस आधार पर कि केवल व्यापार और उद्योग लगाने के लिए नहीं, ये समाज के काम करने के लिए एक नई प्रेरणा दुबई के अंदर इस समाज ने दी है। वहां भी मंदिर बनाना, दाह संस्कार का काम करना, कपड़े उद्योग में बड़ी मात्रा के अंदर लोगों को निःशुल्क कपड़े देना, शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना, समय समय पर भंडारे करना, ये काम केवल भारत में नहीं, सही कह रहे थे श्यामलाल जी महाराज, जहां भी दुनिया के अंदर चले जाओ, दुनिया के हर हिस्से में एक अगर सिंधी समाज भी होगा तो पुरुषार्थ और कर्मयोगी के साथ काम भी करेगा लेकिन समाज की सेवा भी करेगा। यही भारत की संस्कृति और संस्कार है। अत्यधिक आध्यात्मिक धर्म के प्रति आस्था रखने वाला है समाज, हमेशा मानवीय सेवा का काम करता है। और भगवान झूलेलाल जी ने यही हमें प्रेरणा दी है कि अन्याय अत्याचार का विरोध करो, समाज के अंदर दीन दुखी गरीब व्यक्तियों की सेवा करो, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकते हो उसके लिए अपना सर्वोच्च नौचार करो, ये सिंधी समाज का चरित्र है। इसलिए सही कहा था सबरा साहब ने, बस सबरा साहब को बता दू सिंधी समाज के एक एक काम को मैं जानता हूं। अगर मैं एक एक काम को बताना सीखूं तो सिंधी समाज ने इस देश के अंदर, इस कोटा के अंदर ऐसे ऐसे काम किए जिससे समाजों को प्रेरणा मिली। नहीं तो पहले सिंधी समाज के अलावा कोई घर की महिलाएं काम नहीं करती थी, पर सिंधी समाज की महिलाएं थैलियां बनाने का काम करने लगी,
तो लोगों को, समाज को काम करना सिखाया कि हमको सबको काम करना चाहिए, बच्चे को भी करना चाहिए, बुजुर्ग को भी करना चाहिए, नौजवान को भी करना चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के तहत सारा कुटुंब काम करे, सारा कुटुंब कर्मयोगी बने। ये अगर किसी समाज ने दिया है तो सिंधी समाज ने दिया है। हम सब भगवान झूलेलाल जी के प्रकट उत्सव पर, चेटीचंड के पर्व पर इसी तरीके से समाज को प्रेरणा देते रहें और भगवान झूलेलाल जी के आदर्श विचारों को आत्मसात कर अपने जीवन को चलाएं। आप सभी को चेटीचंड की लख लख बधाई।